कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तभी जो है डॉग्स एकदम से उनकी एक आवाज आते ही भागे गए हैं। नाक से देखे तो सूंघ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों फाइनली जो है दिन जो है वो चेंज हो गए हैं। अभी जो है दिन के टाइम पे काफी तेज धूप होती है जिससे कि ठंड नहीं लगती, इसलिए देखिए मैंने जो टी शर्ट है वो पहनी हुई है। मेरे यहाँ पे एक चीज जो काफी टाइम बाद हमने देखी है वो आपको बताता हूँ। एक जानवर होता है जो यहाँ पे पहले होता था, अब नहीं होता, लेकिन दो दिन से जो है यहाँ पे उसको देखा जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है वो। दोस्तों मेरे यहाँ पे उसको बोलते हैं गिद्दड़। आपने शायद स्टोरी भी सुनी होगी गिद्दड़ की, तो कुछ इस तरह के दिखते हैं वो। देखिए कुत्ता नहीं दिखेगा या नहीं, ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं जो गिद्दड़ होते हैं वो। और इसको जो है अभी मैंने देखा, इसको जयकाल किंग के नाम से बोला जाता है, गोल्डन जयकाल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये यहाँ पे गया पहले, जब अब तो ये एरिया काफी वो हो गया, डेवलप हो गया। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जो टीले होते हैं वो होते थे, जो झाड़ियाँ हैं वो होती थी, तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। अभी क्या है वो 4 से 5 जो है का झुंड है, क्योंकि झुंड में रहते हैं मोस्टली। और ये शायद बाय मिस्टेक आ गए हैं, क्योंकि इस साइड थोड़ी दूर पे जंगल है, शायद वहां से आ गए हैं। ये थोड़े थोड़े जो है वुल्फ जैसे लगते हैं, और इनका जो इनसे खतरा ही होता है, जो छोटे बच्चे होते थे पहले के उनको उठा के ले जाते थे, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है सबको। तो आज हम जो है इनको देख कर आएंगे, अगर मिल गए तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि छिप जाते हैं जल्दी से, मिलते नहीं है। तो सरसों खेत में देखने चलेंगे इनको। ओके दोस्तों, अब चलते हैं और देखते हैं कि उस खेत में जो है, देखिए रात को जो है वो जो खेत है उस खेत में जो है वहां पे था गिद्दड़। चल के देखते हैं अब भी आया नहीं। दोस्तों आपके यहाँ पे जो है गिद्दड़ को क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे आता है या नहीं मुझे बताइएगा, और गिद्दड़ के बारे में आपको कोई भी नॉलेज है तो वो बताइएगा। रात को भी हम यहाँ तक आए थे, लेकिन अंधेरा था, अंधेरे में क्या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, टॉर्च से भी इतना पता नहीं चलता है। सरसों जो है काफ़ी बड़ी बड़ी है, दो खेत है साथ के साथ में। ये खेत जो है सरसों का, ये अपने कज़िन का है, इसमें सरसों छोटी छोटी है, तो इसमें तो अगर होता तो पता चल जाता। इस सरसों के खेत में है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जंगल टाइप में भी है, तो यहाँ पे छुप जाते हैं वो। मैं डॉग्स को बुलाता हूँ, हमारे जो डॉग्स है उनको, अगर घर पे हुए तो वो ज़रूर आएंगे जब मैं सीटी मारूंगा तब। देखिए वो भाग के आ रहे हैं। ये जहाँ भी होते हैं जब मेरी आवाज़ सुनते हैं तो यहाँ पे आते हैं। देखिए डॉग को पता है कि इस खेत में ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सूंघना स्टार्ट कर दिया इसने, देखिए। और जो ये वाली जो है, ये इसकी माँ है, ये ज़्यादा खतरनाक है। माँ के सामने जो ये बेटी है इसकी, ये देखिए कैसे डरती है हमेशा इससे। अब इनको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो इनको ज़्यादा पता चलेगा। आ जाओ, चलो आगे चलो। देखिए दोनों साथ आ रही है। और दोस्तों इनको जो है हमने पाला हुआ नहीं है, यानी कि इनको हम बांध के नहीं रखते, ये ऐसे यहाँ पे घर पे आती है तो खाना खाती है, रोटी वगैरह इनको डाल देते हैं बस उसी से ये इतनी। इसकी जो नस्ल है देखिए अलग सी है, सिम्बा टाइप में इसकी गलाई है। वो अंदर चली गई, चले तू भी अंदर चल। अब मैं इसको खोलता हूँ दरवाजे को, किस साइड से बंद कर दिया इसको। दोस्तों रात को क्या होता है, रात को यहाँ आसपास में जितने भी डॉग्स होते हैं इनका क्या एरिया बटा हुआ होता है। जैसे हमारे डॉग्स है ये हमारे एरिया में जो है रहते हैं, दूसरे के जो डॉग है वो उनके एरिया में रहते हैं। तो ये सारे जब रात को यहाँ पे इस खेत में जब वो आते हैं गिद्दड़, तब सारे इकट्ठे होके मिल जाते हैं और इनको इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस दो खेत जो सामने हैं इनमें है वो। अभी मैं डॉग्स को बुलाता हूँ वो कहाँ पे। ये जो खेत है इसमें तो कम है, सरसों जो ऊपर वाला है उसमें ज़्यादा है। आजा ना इस अगली छिंडी में आ जाओ, जय मैं सोलर प्लेट लग रही है। ठीक है मैं आ रहा हूँ इधर से, आप आ जाओ, थोड़ा सा आगे आओगे ना तो मंदिर है।
अभी कोई मिलने वाला है पहले मैं उससे मिल कहता हूँ, फिर इस खेत के अंदर दूसरी साइड से जाएंगे तो फिर वहाँ पे चेक करेंगे और डॉग्स को साथ लेके जाएंगे। अभी मैं इनको बुला लेता हूँ। चलो चलो घर चलो, चलो चलो घर चलो, भागो भागो भागो, चलो भागो भागो भागो। हाँ भाई कुछ मिलोगे नहीं, कुछ नहीं मिलो, कुछ नहीं पाए थाने गाजड़ो नहीं थो है। यो भाई कपिली हराले में बढ़ जाए रात ने तकड़े हो गए साथ जाएगा चेक करके आया ना रे। पतो तो इन्होंने भी है कुत्ता ने, इन्होंने पतो है देख पूरा कुछ है देख, बढ़ेगी बढ़ेगी ठा दे इधर, बढ़ जाएगी उठा खा थोड़ी सी, जा 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 अंदर जा कर कर चेक कर का। ये गई तू भी जा दोस्तों। दो खेत उस साइड और एक खेत ये, दो तीन खेत तो चेक कर दिए, इनके अंदर तो अभी है नहीं वो फिलहाल, जो आगे के दो खेत और है शायद उनमें हो सकते हैं। ये रात को अगर आज आए और आज आवाज़ की तो मैं आपको जरूर उनकी आवाज़ जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि रात को वो दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों देखिए इस खेत में हमने उसको डॉग्स को भेजा था, दूसरे खेत में भी वो चली गई है चेक करने, वहाँ पर देखिए इस खेत में है, बाकी हम शाम को देखेंगे। अब यार मेरे जिम जाने का टाइम हो गया तो चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था रात के टाइम पे जो गिद्दड़ है वो आता है, देखिए अभी अभी उनकी आवाज़ आई थी, मैं ऊपर था कंप्यूटर पे काम कर रहा था तभी जो है डॉग्स एकदम से उनकी एक आवाज़ आते ही भागे गए। देखिए इधर ये डॉग जो हमारा है वो भोग रहा है और उधर उन पड़ोस के एक वो भोग रहा है, जैसे ही वो उन्होंने वो क्या रात को ऐसे जैसे रोते हैं वैसे आवाज़ करते हैं। देखिए चार तरफ के जो डॉग्स है वो भौंकने लगते हैं, अब पता नहीं इन सरसों में तो नहीं छुपी हुई है। वैसे तो इंसानों को तो वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे अगर कम हो तो, अब टॉर्च से सिर्फ इतना ही दिखता है जितना आपको दिख रहा है। सामने जो सरसों दिख रही है आपको हल्की हल्की जहाँ पे मैंने लाइट लगा रखी है इस सरसों में हो सकती हो, ये रही हमारी। थोड़ा आगे तक और देख के आता हूँ, अगर मिलती है तो आपको दिखाऊंगा। बेचारे डॉग्स जो हैं वो देखिए सरसों में अभी भी ढूंढ रहे हैं। नहीं मिली, नाक से देख कितना सूंघ रही है इन्हें, देख आ गई रे खुशबू आ गई देख, चुप 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 देख खुशबू आ रही है ना, देख कितना कर रही है उरी से उरी ने कर रही है, देख देख कितना कर रही है देख वह कुत्ती, और तू का नहीं है मैंने उम्मन ने लागू रखी मैं तो। वाओ 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 चू 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 बड़ बड़ सर